करवा चौथ का व्रत सुहागिन स्त्रियों के लिए बहुत महत्व रखता है। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को करवा चौथ का पर्व मनाया जाता है। इस बार 4 नवंबर को करवा चौथ का व्रत रखा जाएगा, जिसके लिए अभी से दुकानें सजना शुरू हो गई हैं। बाजार में मिट्टी से बना करवा, जिसका करवा चौथ के व्रत में खास महत्व रहता है, वो भी बाजारों में उपलब्ध है। करवा चौथ को नजदीक देख महिलाओं ने भी खरीदारी की तैयारियां शुरू कर दी हैं, लेकिन इस बार कोरोना महामारी के कारण बाजारों में त्योहारों के सीजन के चलते रौनक कम दिख रही है, जिसके कारण दुकानदार भी मायूस नजर आ रहे हैं। दुकानदार स्वर्ण देवी का कहना है कि वे 6 दिनों से बाजार में मिट्टी के करवे की दुकान लगा रही हैं, लेकिन कोरोना महामारी के कारण ग्राहक कम ही पहुंच रहे हैं। दुकान लगा दो 5-6 दिन। अच्छा, अभी तक नहीं है। कोरोना की वजह से कोई फर्क पड़ा है? नहीं। क्या फर्क पड़ा है? ग्राहक कम काट। वही दुकानदार राजकुमारी ने बताया कि वे 2 दिन से मिट्टी के करवे की दुकान लगा रही हैं, लेकिन कोरोना महामारी के कारण ग्राहक खरीदारी के लिए कम ही आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि वे उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार ग्राहकी अच्छी हो। पिछले साल लगा था, आज दूसरा दिन है। पिछले साल से तो कम ही काम चल रहा है, कोरोना के चलते ग्राहक कम आ रहे हैं। उम्मीद तो है कि हमारा काम पिछले साल से भी बढ़कर ज़्यादा हो, और अभी ग्राहक तक आने आ रहे हैं। उम्मीद है कि हमारा काम अच्छा चले। आपको बता दें कि करवा चौथ का व्रत सुहागिन स्त्रियों के लिए बहुत महत्व रखता है। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को करवा चौथ का पर्व मनाया जाता है। इस बार 4 नवंबर को करवा चौथ का व्रत रखा जाएगा। करवा चौथ पर माता पार्वती, भगवान शिव और चंद्रदेव की पूजा का प्रावधान है। सुहागिन स्त्रियां करवा चौथ पर पूरे दिन निर्जला व्रत करती हैं और शाम को चंद्र उदय के पश्चात चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद व्रत का पारण करती हैं। सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु की कामना के लिए ये व्रत करती हैं। इस व्रत को रखने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। पौराणिक कथा के अनुसार करवा चौथ का व्रत सबसे पहले स्वयं माता पार्वती ने भगवान शिव के लिए रखा था, इसलिए सुहागिनें अपने पतियों की लंबी उम्र और सुखमय दाम्पत्य जीवन की कामना के लिए इस व्रत को करती हैं। इसलिए इस दिन माता पार्वती, गणेश और भगवान शिव की पूजा करने का भी प्रावधान है। करवा चौथ के व्रत के बारे में कहा जाता है कि एक बार देवों और दानवों में बहुत भीषण युद्ध हुआ था। तब ब्रह्मदेव ने सभी देवताओं की पत्नियों को करवा चौथ का व्रत करने के बारे में बताया। उसके बाद सभी देवियों ने कार्तिक माह की चतुर्थी तिथि को व्रत किया, जिससे देवों को युद्ध में विजय प्राप्त हुई। कहते हैं कि तभी ये परंपरा शुरू हुई। चंद्रमा को आयु वृद्धि और शीतलता का कारक माना जाता है, इसलिए माना जाता है कि चंद्रमा की पूजा करने से आयु में वृद्धि होती है और वैवाहिक जीवन सुखमय रहता है। करवा चौथ की पौराणिक कथा में भी चंद्रमा की पूजा का महत्व बताया जाता है।